हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वीनू है और आप देख रहे हैं वीनूज वे। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं, वीडियो अच्छी है या नहीं, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर जो मैंने अमेज़न से लिए हैं। तो मैं आपको एक एक करके वो सारे ऑर्गेनाइजर्स दिखाने वाली हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका छोटा बाथरूम है या बड़ा बाथरूम है, दोनों में ही आपको ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ आपके काम के हो। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो ये कॉर्नर सेट है। ये प्लास्टिक में आता है और इसकी फिनिश बहुत ही अच्छी है। 110 रुपये अभी इसका प्राइस चल रहा है अमेज़ॉन पे। तो कोई भी कॉर्नर ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे यूज़ किया है इसको अपने शावर एरिया में, जैसे कि शैम्पू और फेस वॉश, बॉडी वॉश रखने के लिए मैंने यूज़ किया है इसको। तो ये एरिया जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है। और अगर आपके कॉर्नर में वहाँ पे जहाँ पे आप नहाते हैं कोई शेल्फ नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं। ये 3 के सेट में है, तो सबसे बड़ा, छोटा, छोटा। तो मैंने अपने 2 बाथरूम्स में इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बाथरूम का फ़िलहाल मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ करीब 6-7 महीने से, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इस प्राइस रेंज में। तो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप ये देख रहे हैं ये है एक सोप डिस्पेंसर। ये पैक ऑफ 2 में आता है। आप इसमें डाल सकते हैं अपना हैंड वॉश, या फिर आप डाल सकते हैं बॉडी वॉश या शैम्पू। और इसको सिर्फ वॉल माउंट करना है आपको। एक प्लेट मिलेगी, उसके साथ स्क्रूज आते हैं। स्क्रूज नहीं आएंगे इसके साथ, वो आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है आप ऊपर से डाल सकते हैं जो भी आपको सोप डालना है इसमें, और इस बटन की हेल्प से वो नीचे से डिस्पेंस हो जाएगा। और ये प्लेट जो आप देख रहे हैं ये आप दीवार पे फिक्स करके और सिर्फ स्लाइड इन करना है आपको। इसको बहुत ही इजी है, इसको साफ़ करना भी बहुत आसान है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोई जो है आपका वो काउंटर स्पेस पे क्लटर नहीं होगा, साफ़ रहेगी काउंटर स्पेस। और इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना कोई भी सोप या फिर बॉडी वॉश या फिर शैम्पू। इसको आप शावर एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ये मैंने 2017 में खरीदा था। ये एक कॉर्नर कैबिनेट है नीलकमल कंपनी की, और काफ़ी अच्छी मजबूत कैबिनेट है। ये अलग अलग पार्ट्स में आती है, आपको जॉइन करके इसको वॉल माउंट करना होता है। तो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है इसका, काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल प्लास्टिक है। 2 साल हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए। तो कुछ इस तरीके से 3 कंपार्टमेंट्स हैं इसमें और ऊपर भी स्पेस है। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसका 1 कंपार्टमेंट यूज़ किया है अपनी बालकनी में, जहाँ वॉशिंग मशीन रखी है वहाँ पर मैंने इसका 1 कंपार्टमेंट लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इतना ही स्पेस था। ऊपर AC भी है तो तीनों आ नहीं रही थी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसमें अपना सारा जो वॉशिंग का सामान है वो रखा हुआ है। और इसका जो बंद करने वाला बटन है वो मैग्नेटिक है, तो बहुत ईजिली बंद हो जाता है। और 2 साल हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। तो नेक्स्ट आइटम है ये सेलो की प्लास्टिक स्टोरेज शेल्फ। इसको आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं और अपनी शेल्फ पे भी रख सकते हैं। तो बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा जो है ये प्रोडक्ट है। 240 रुपीज़ में आपको बाहर भी शायद मिल जाए, बट इसका प्लास्टिक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये लोकल चीप प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से अपने बाथरूम की शेल्फ पर इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मुझे इसको वॉल माउंट नहीं कराना था, ऐसे ही अच्छी लग रही थी। काफ़ी अच्छी स्पेस है, लेकिन अगर आपकी काउंटर स्पेस कम है तो आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं। मैंने इसमें सारे अपने फेस वॉशेस वगैरह रखे हुए हैं, साथ में ही अपना टूथब्रश स्टैंड रखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, 240 रुपये में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, ये 2 प्लास्टिक टॉल बास्केट्स हैं और फिलहाल डील पर चल रही हैं। काफ़ी अच्छी न्यासा कंपनी की है। न्यासा कंपनी आप जानते हैं जैसे प्लास्टिक मटेरियल की चीज़ें बनाती है, और बहुत ही अच्छा प्लास्टिक होता है उनका।
तो मैंने ये बास्केट्स यूज़ की हैं अपने बाथरूम शेल्फ पे अपना टूथब्रश और फेस पैक ब्रश वगैरह रखने के लिए। तो काफ़ी अच्छी सुंदर बास्केट्स रखती हैं, क्योंकि सिंपल एक बास्केट नहीं है या कप नहीं है, काफ़ी अच्छी इसका जो मटेरियल भी है काफ़ी बेटर है, और डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं कट वर्क में आ रहा है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। तो जैसे अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ा डेकोर भी करना हो तो आप इन बास्केट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्टेनलेस स्टील टॉवल रॉड्स फॉर बाथरूम। ये 375 में आपको 3 का सेट मिल रहा है। मैंने ये खरीदी थी करीब 1 साल पहले, जब मैंने अपने बाथरूम का रीवैम्प किया था और मुझे नए एक्सेसरीज चाहिए थी, तब मैंने ये खरीदी थी। तब से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई जंग लगा है ना कोई डेंट वेंट हुआ है, बहुत अच्छा चल रही है। तो इस तरीके से मैंने यूज़ की हुई है इसको अपने बाथरूम में। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ इसमें रॉड भी नहीं है, इसमें साइड में आपको हुक्स भी मिल रहे हैं, तो उन हुक्स पे आप कुछ भी टांग सकते हैं। जैसे एक तरफ मैंने इसमें अपना ये वेगा का ब्रश टांगा हुआ है और दूसरी तरफ मैंने अपना हैंड टॉवल टांगा हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे सिंक के पास है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हुक है, और जो इसके आप स्क्रूज देख रहे हैं वो आपको साथ में नहीं मिलेंगे, पर वो भी कोई भी लोकल हार्डवेयर शॉप में आपको मिल सकते हैं आराम से। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये लेटेस्ट एडिशन है मेरे बाथरूम एक्सेसरीज़ में। ये है एक मल्टीपर्पज़ टॉयलेट पेपर होल्डर। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको रिसीव किया है, अभी मैंने लगाया भी नहीं है इसको, बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आजकल कौन नहीं जाता है वॉशरूम में अपना फ़ोन लेकर। तो फ़ोन भी इस पर रेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी अपनी वॉच वगैरह भी इस पर रेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है, इसका एकदम क्रोम फिनिश है और बहुत ही चमकदार मटेरियल में ये आया है स्टेनलेस स्टील में। तो मैंने इसको मंगाया बेसिकली क्योंकि टॉयलेट पेपर तो इंडिया में यूज़ होता नहीं है, बट मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ नॉर्मल टिश्यू रोल लगाकर, क्योंकि बाथरूम में जो है अक्सर मुझे टिशू की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मैं ये रोल लगाने वाली हूँ, और ऊपर स्पेस भी है तो वो भी एक्स्ट्रा जो है यूज़ हो जाएगी अगर आपको फ़ोन वगैरह या कोई भी और एक्सेसरीज रखनी है तो। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, ये है एक प्लास्टिक डबल लेयर सोप डिश सक्शन कप वॉल ट्रे, इसका नाम है। तो ये जो है सक्शन कप है इसके पीछे, और उससे आप इसको वॉल माउंट कर सकते हैं अपनी वॉल पर। और ये जो है इसमें 2 लेयर्स दी हुई हैं साबुन रखने के लिए, 2 ट्रेस दी हुई हैं। सिर्फ साबुन ही नहीं, इसमें आप कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक्सेसरीज़ वगैरह अगर आपको रखनी हो तो वो भी रख सकते हैं, जैसे इयररिंग्स वगैरह उतार के मुँह हाथ धोते हैं वैसा कुछ भी रख सकते हैं। वाटरप्रूफ है और बेस्ट क्वालिटी सक्शन है, ऐसा सब इसमें मेंशन किया हुआ है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बार बार इसका सक्शन निकल जाता है, बार बार ये गिर जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये लें, तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल नो है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, ना आपको स्क्रू करना पड़ेगा ना आपको ड्रिल करना पड़ेगा, बट जो एक्चुअल काम है इसका वॉल माउंट रहना, अगर वो ही नहीं रहेगा तो फ़ायदा क्या है। तो मैं तो इसको दोबारा परचेज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं लगा मुझे। फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अपने रिस्क पर। तो नेक्स्ट जो ये प्रोडक्ट है ये भी एक बास्केट है, ये मल्टी ग्रिड बास्केट है। इसमें बहुत सारे जो है पार्टीशंस दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर आप फ़ोन लेके जाते हैं तो फ़ोन भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप अपना फेस वॉश वगैरह अरेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। और इसका मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वालिटी का इसका प्लास्टिक है, बिल्कुल भी लोकल क्वालिटी का नहीं है। तो मैंने इस तरीके से मिंट ग्रीन कलर में इसको लिया है, और ऐसे सब अपना जो बाथरूम की सामान है वो अरेंज करके रखा है। ये मेरे बेबी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मेरे बेबी के प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो है आगे मेरे काया के प्रोडक्ट्स हैं, ये पामोलिव का बॉडी वॉश है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं एक जगह पे अरेंज ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, पूरे बाथरूम में आपके प्रोडक्ट्स फैले नहीं रहेंगे और बहुत ही ऑर्गेनाइज रहेगा आपका बाथरूम। आपको हर एक चीज़ की अगर एक डेजिग्नेटेड जगह बनानी है तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हो और अपनी स्पेस हो हर एक प्रोडक्ट की, तो बाथरूम कभी भी आपका डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा।
तो अब ये लास्ट प्रोडक्ट है 4 लेयर स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर। ये बिल्कुल ही थिन ऑर्गेनाइजर है, पतला सा ऑर्गेनाइजर है और बहुत ही कम जगह लेगा अगर आप इसको कहीं भी प्लेस करेंगे। छोटे से बाथरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने फिलहाल इसको अपने बाथरूम में तो नहीं रखा है, अपने किचन में रखा हुआ है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाथरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाथरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना अच्छा पर्पसफुल प्रोडक्ट है। इतना स्लिम रैक है कि किसी भी कोने में आप इसको रख सकते हैं और इजीली इनकी शेल्फ्स पे आप कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। आज के वीडियो में और इतने ही ऑर्गेनाइजर्स थे जो मैंने अमेजोन से लिए हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको अच्छा लगा है और आपको अपने घर के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, क्योंकि सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सिर्फ आपको क्लिक करना है और आप सीधा उस प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब के बाद वो बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर, बाय।